सो हेलो माई डियर फ्रेंड्स, आई होप कि यू गैस गॉट द एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड इट वॉज वेरी नाइस टू मीटिंग ऑल ऑफ यू पीपल. आई हैव मेड लॉट्स ऑफ पीपल एंड मुझे बुरा लगा कुछ लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाया एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी डिस्पाइट गेटिंग वेरी आई मीन लो रैंक लेस मार्क्स. यू गैस केम, मैनी ऑफ देम केम जस्ट टू मीट मी एंड इट वॉज रियली आई मीन इमोशनल मोमेंट फॉर मी. और जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है, जिनका एक या दो वेटिंग वगैरह बचा हुआ है, डोंट लूज योर हर्ट. मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट द एडमिशन बिकॉज टुडे अगेन DSE का थर्ड लिस्ट आया है एंड मैनी पीपल विल बी ज्वाइनिंग BHU एज वेल. सो जिनका एक दो वेटिंग लिस्ट है ना इन एनी कैटेगरी, चाहे जनरल हो, OBC हो, EWS हो, STSC हो, एक से दो रैंक का काफ़ी हाई चांस है आपका एडमिशन हो जाएगा. ओके तो आप लोग हर्ट बिल्कुल लूज ना करें एंड जस्ट ट्राई योर बेस्ट. इफ पॉसिबल डोंट टेक ड्रॉप ईयर बिकॉज मेनी पीपल हैव एम्ड टू ज्वाइन JNU, HCU, BHU, DSE ओनली. दीज ऑल आर 4-5 गुड इंस्टीट्यूट अंडर CUET एंड इवन इन माई व्यू रेदर देन टेकिंग ड्रॉप ईयर, इफ यू आर लुकिंग फॉर रिसर्च एंड ऑल, ट्राई टू डू PhD फ्रॉम बेटर यूनिवर्सिटी, गेट एडमिशन इन एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इवन योर स्टेट यूनिवर्सिटी. देर इज नो एनी काइंड ऑफ टैग कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही मास्टर्स होना चाहिए. आई नो पर्सनली मेनी पीपल हैव cleared entrance exam and joined PhD program, so you can prepare for JRF and all. I will be coming with a detailed video what else, what next you have to do, because many people are taking drop to prepare for UPSC and other exams, because for Indian Economic Services and RBI exams you must have your master's degree and that need not to be good institute, just you have a master's degree with 55% or something like that, it varies, that I will be telling you. So it was very nice to meeting you all of you people and people who could not come इस पेशेंट डिस्पाइट गेटिंग गुड रैंक्स, तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा बुरा लग रहा होगा एंड डेफिनेटली दे शुड फील लिटिल गिल्ट. थोड़ा तो गिल्ट जरूरी है यार, मतलब 121 आई थिंक 121 समथिंग लाइक रैंक तक कट ऑफ गया है. ठीक है, इतना तक गया है. OBC का नियरली 80 रैंक तक कट गया है. जनरल इकोनॉमिक्स में जैसे 30 सीट्स है जनरल इकोनॉमिक्स में, जनरल कैटेगरी का 120 तक लोग एडमिशन पाए हैं. STSC में भी नियरली 40-50 रैंक तक गया है, डिस्पाइट की आई थिंक ST में गया है नियरली 20 और सम 28 लाइक दैट 28 तक गया है SC में, डिस्पाइट की ओनली 6-7 सीट्स आर देयर. तो 4 टाइम्स लोगों के एडमिशन हो रहे हैं. एंड वन रिक्वेस्ट आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि अगर आप लोगों का एडमिशन हुआ है, जस्ट यू कमेंट बिलो कि या आई गॉट द एडमिशन इन दिस डिपार्टमेंट, आई एम फ्रॉम हियर, सो दैट कि आई फील रियली हैप्पी कि फाइनली द ऑल हार्ड वर्क वॉट वी वर डूइंग एंड इट रियली पेड ऑफ, आपका एडमिशन हुआ और यूनिवर्सिटी को अच्छे से आप इसको मेटेरियलाइज करें अपने करियर को लेके, चाहे आपका अपना सेल्फ ग्रोथ हो. फ्रॉम हियर यू आर द ओनर ऑफ योर ओन लाइफ, हियर नोबडी इज टू गाइड यू, यू डू दिस, यू डू दैट. दिस यूनिवर्सिटी इज वेरी सेल्फ रेगुलेटरी. सेल्फ रेगुलेटरी का मतलब यह है कि आप अपने मालिक होंगे अपने जीवन के, यहाँ से आने वाले 2 सालों में आपको जो करना है, जो दिशा में जाना हो. एंड चलो फिर, होप टू मीट यू एंड वेन एवर यू सी मी इन कैंपस और आई सी यू, नो नीड टू हेजिटेट, डेफिनेटली वी कैन मीट एंड लेट्स मेक द बेटर सोसाइटी, लेट्स क्रिएट द पॉजिटिविटी. स्टे अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिव थिंग्स, वट एवर यू आर लिसनिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, आई मीन द एलुमनाई और द स्टूडेंट्स, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थिंग्स, फील इट एंड बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. और होप करता हूँ कि आप आगे अच्छे करेंगे. विश यू ऑल द बेस्ट. टुडेज वॉज द इकोनॉमिक्स का एडमिशन था, सो आई वॉज देयर. आई कुड नॉट मीट मेनी ऑफ पीपल. दिस डज नॉट मीन आई विल नॉट बी मीटिंग यू. डेफिनेटली आई एम फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट, तो विल डेफिनेटली मीट यू इन द डिपार्टमेंट. चलो, विश यू ऑल द बेस्ट गाइज एंड विल बी कमिंग विद द डिटेल कट ऑफ वीडियो वेरी सून, मे बी टुमारो. अभी डिटेल कट ऑफ वीडियो मैं एक बनाऊंगा. उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. प्लीज शेयर एंड प्लीज कमेंट कि यस सर आई गॉट द एडमिशन. चलो, बाय बाय, टेक केयर गाइज.